और हम अपने किचन में मौजूद हैं और किचन में हमारे साथ हैं नाजिया। नाजिया सॉरी, असल में थोड़ी सी पीछे से आवाज है, कहाँ गायब हो गई, असल में गायब इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे कितना प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, मुझे और पीछे आवाज आ रही है और सब मुझे लगता है उसी बच्चे की बात कर रहे हैं। और ऐसा हाय मेरा दिल दुख गया नदिया, आज तो नहीं दिल ना दुख गया, मुझे भूल गई आज कॉम्पिटिशन, बात है यार तो कॉम्पिटिशन। एक सेकंड, आप दोनों जो है ना आज एक जैसे कलर पहने और मुझे आप लोगों ने छोड़ दिया बीच में, लेकिन मैंने कहा मेरा क्राउड जो है ना वो नहीं छोड़ता। क्या बात है, तो जरा मैं चाहूंगी इतना प्यारा मेरी मैचिंग यहाँ पर है, आज मुझे कंपटीशन दे दिया इस बच्चे ने, की तालियां होनी चाहिए। एहसन तो हमेशा अच्छा तैयार होते ही हैं और आज जो है ना ये बच्चे ने जो ना आपके मुकाबले पे आके खड़ा हो गया। माइक है किसी के पास, जरा पूछे तो सही। माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा प्लीज। इनका नाम पहले पूछते हैं कि आज स्पेशल तैयार हो क्या है। आप देखिए पूरे प्रिंस कुछ में पहने हुए, और क्या जूते भी तो आप चेक करें। हाँ शूज भी जरा देखे ना, माशाल्लाह से क्या बात है। माइक चल रहा है, ये देखे। नहीं नहीं आपसे जीत गए आज, ये आज जीत गया मैं, क्योंकि शूज इनके जो है ना वो कमाल हो गए भाई। अली मुझे ये बताइए किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ऐसे ही तैयार करती हैं रोज? और शॉपिंग किसने कराई थी जूतों की? तो लग रहा है ईद के लिए तैयार हो के आए आज आप। अच्छा क्या कर रहे हैं? आज भी ईद है हमारे यहाँ पे, रोज ईद होती है। अभी तो मैं अपने स्कूल के असेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रहा था और रोजे वगैरह मेरे अच्छे जा रहे हैं। और आपकी मामा यहाँ पे बैठी हुई है? अच्छा मामा इज नॉट हियर, बट किसके साथ आए तो बताएं? माय फादर। कम बेटा मैं। अच्छा ये जरा ऊपर हाथ उठाए फादर, ये है जी इनके फादर की तालियां मुझे गिफ्ट देते जी, बैठ जाइए। माशाल्लाह फादर ने भी अपना बहुत ख्याल रखा हुआ है, बहुत अच्छा लिबास उन्होंने पहना है। ये रखिए तालियां बजाइए, ये बैठिए मियां दाद की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, बैठिए। ये मियादाद की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, और एक बच्चा जो मुझे कोई नजर, ये मियादाद की तरफ से बेहतरीन कमीज शलवार है, ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। मैं जरा खोल के, वाह यार ओहो मियादाद को कमाल कर दिया भाई, ये लीजिए। हमने भी देखना है ऐसे नहीं है क्या, जो मियादाद साहब है उनका ब्रांड है? हाँ जी, ये मुझे नहीं, उनका नहीं है, जावेद मियादाद साहब का नहीं है ब्रांड, लेकिन नाम बड़ा कैची है मदिया, वही ध्यान जाता है। हाँ वही ध्यान जाएगा, तालियां रहने देते हैं। ये आप रख लीजिए आपास का, ये आप रख लीजिए आपास की तरफ से, ये बेटा आप रख लीजिए आपास की तरफ से, ये आप रख लीजिए, लाइए जी अलफता का गिफ्ट हैम्पर दीजिए, ये माँ जी आप रख लीजिए। माँ जी आपके लिए ताली नहीं बजा रहा कोई, ये मेरे भाई आप रख लीजिए, अलफता की जानिब से ये आप रख लीजिए। और नाजिया बोलेंगी मेरा सारा टाइम जो है ना वो कहीं और नहीं, चला नहीं, गया। मुझे स्पेशल टाइम मिलेगा आप अगर टाइम ले भी लेंगे तो। नहीं नहीं आप बताइए, मैं वरना आज अगर आप नहीं बोलेंगी तो मैं आज मोटरसाइकिल दे दूंगा नाजिया। मैंने इसलिए आपको जरा टाइम बढ़वा दिया है ताकि आप आराम से ये देखें दोस्तों, क्योंकि आज क्या हो लेकिन जो ये अली हैंडसम है सबको, लेकिन अली ने जो है ना आज कंपटीशन देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि एहसन आपसे बहुत अच्छा तैयार होकर आए, लेकिन आपके कंपटीशन में आ गए। क्या बात है, मुझे लग रहा है जूते बड़े प्यारे, शूज बहुत प्यारे। अच्छा आ जाते हैं जल्दी से। ओके मैंने मीठे के लिए थोड़ा सा डिफरेंट बनाया क्योंकि हम रोज देसी मीठे खा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें फ्यूजन ऐड कर दिया कि इसमें समोसा पट्टी के साथ मैंने जो है ना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह को मिक्स कर दिया। समोसा पट्टी बोलते हैं, समोसा पट्टी से पार्टी मेरे गले की वजह से हो रहा है, अंग्रेजी की वजह से एक्चुअली मैंने ना एसन से सीखा है समोसा पट्टी, ऐसे ने भी ना यूके जाके स्कोन्स नहीं खाने लगे ना, मैं समोसा खाएंगे मेरे गले की वजह से थोड़ा सा, मैं पट्टी ही बोलती हूँ। अब जोर लगा के बोला तो पट्टी आएगा। ऑलराइट ठीक है, मैं इसे बताती हूँ कि इसे बेसिकली जो है आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर इसकी इसके ऊपर जो जो बाइंडिंग के लिए जो बनाया है वो मैदा साथ में अंडा, इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शनल है, आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं मैदा, और हमेशा कॉर्नफ्लावर की जब भी आप बनाएंगे चीज़ याद रखें दो चम्मच मैदा तो
एक चम्मच कॉर्नफ्लावर होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने फिर शुगर भी ऐड किया। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं बहुत समोसा नहीं खा सकते तोड़कर, तो उनके लिए ये होता है कि इसका अगर आप कवरिंग कर लेंगे या छोटे बच्चे हैं तो ये नरम हो जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा है। वरना आप डायरेक्ट समोसे पर बनाकर इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। दिस इज लाइक लिटिल सॉफ्टर एंड दिस लिटिल हार्डर। अक्सर देखो बुजुर्ग नहीं खा सकते, उनके लिए समोसे के लिए आप इस तरह कर लें तो हाँ उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि समोसा पट्टी ली, उसमें मैंने ये मिक्सचर बनाया था जिसमें आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं जो जरा सा सॉफ्ट हो, लाइक अनार, वो क्या कहते हैं उसे, अंगूर, बनानास तो हैं इसमें, स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज नहीं है तो खाली बनाना डाल दें, बनानास नहीं है खाली आप पीच डाल दें। क्रेप्स होते हैं ना, ये क्रेप्स की देसी फॉर्म है, देसी फॉर्म है एग्जैक्टली, ये आप समझ रहे हैं बिल्कुल। मैं ये कहने वाली ये पुरानी फ्रूट चाट थी कल की जो पची होती वो भी भले डाल, वो भी डाल सकते हैं, सोटू नरम हो जाती है वो। देखे हंस रही सब बच्चे, थोड़ी बहुत एक बना लें, उसके दो समोसे बनाए मैंने। अच्छा, फिर इसमें मैंने खोपरा भी डाला है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला है, ऑल ऑप्शन। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज करनी थी, इसको बॉक्स जो है ना इसको आपने इस तरह बना देना है, ठीक है, इसमें आपने जो है ना कवर कर देना है इससे जो ये है मैदा, और उसके बाद इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद आपने इस बॉक्स को ऐसे ऐसे कवर कर देना है, ठीक है, और कवर करने के बाद भी आप इसके ऊपर जो है ना जहाँ पे साइड्स खुली है वहाँ पे आप मैदा से इसको जो कवरिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने फ्राई करना है तो इसी वाले मिक्सचर में इसको लेके फ्राई कर दें, और अगर खाली फ्राई करना है तो खाली भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। जबरदस्त, और ये जो आपने बड़ा जबरदस्त ये स्लश आज बनाया हमने, और ये स्ट्रॉबेरी स्लश है, बहुत मजे का, पर मुझे क्यों लग रहा है स्पेशली इसमें आपने एक फ्रिजी ड्रिंक भी डाली हुई है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसमें जो है बहुत ज्यादा क्रश वो है आइस है, मतलब जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दी, स्ट्रॉबेरीज है, और मैंने इसमें शुगर डाली है। अच्छा, ये बता दूं जो मैंने ये वाला मिक्सचर बनाया था ना, जो जो स्वीट पैटीज का, वो बनाया था गुड़ के अंदर। गुड़ के अंदर फ्लेवर बहुत इट्स नॉट अबाउट डाइट। चीनी का टेस्ट जो होता है ना जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है जो गले को लगता है। एग्जैक्टली, थोड़ी कम चीनी डाल ले, कम डाल ले। हां नहीं नहीं, गुड़ महंगा है, नई चीजें लेके आती बनाती है, और अपने मिक्सर इसमें कुछ और भी चीजें डाल सकती है। आपने तो इसका बिल्कुल, हाँ इसमें खोया वगैरह डालते हैं लोग जो घर पे, लेकिन खोया भी इतना महंगा हो गया तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, आप वो चीजें ऐड कर लो। जिस तरह अगर आपने जिसने गुड़ की बात की, अगर आपने सिर्फ अगर आपने जो है ऐसा कोई फल जो सबसे आपके पास जो चीपर आपको फल नजर आ रहा है तो वो आप लेकर वो भी आप इसमें डाल तो सकते हैं। जैसे एप्पल पाइज होती है, उनके अंदर एप्पल ही होता है ना, उसका बिल्कुल एप्पल को उबाल के मैश किया होता है हल्का सा, वो मजे का नहीं, उसका ये होता है एप्पल का बनाने का तरीका कि आपने वो पैन ले लिया, उसमें हल्का सा आपने पानी ले लिया, हाँ पानी ले लिया, और उसके बाद शुगर डाल दी, और आपने वो सिनेमन उसके बाद एंड में बिल्कुल उसके ऊपर। इसकी अगर एप्पल पाई बनानी है बिल्कुल ये बन सकता है, सेम सेम चीज। नहीं आप दोबारा बताएं कैसे? आपने एप्पल को थोड़ा उबाल के, मेरे ख्याल से उसमें एप्पल को पानी के साथ उसमें आपको थोड़ा सा शुगर, आप उसमें सिनेमन जो है वो ऐड कर दें, आपने उसको वो डालनी है, और फिर आप बीच में या एंड में डाल, नहीं नहीं उसमें बीच में, चार चीनी जो होती है क्योंकि हम वो जो एप्पल सिनेमन टोस्ट खाते हैं जो फ्रेंच टोस्ट होता है, तो एग्जैक्टली वही फिर आपने ऊपर भी रखा होता है, ऊपर भी रख लें उसको। हाँ अच्छा, उसमें वो एप्पल को आप नोटिस करें, अगर हम वैसे खाते हैं तो वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा मीठी और गर्म गर्म हो तो ज्यादा फील होती है, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो आपको मिठास इतनी फील नहीं होती। तो इसका ये एप्पल का ही, आप उसको अच्छा बनाओ, आप उसको मैश करके भी जरा बनाने की कोशिश करो तो मीठा आपको लगता है, लेकिन पूरे रमजान हमारी जबरदस्त डिश है। मुझे पता है क्या एक चीज नाजिया की जो बहुत पसंद वो ये आई कि हम बहुत से शेफ्स का काम करते हैं, वो टिपिकल बनी बनाई डिशों को रीमेक कर रहे होते हैं, नाजिया अपना रंग डालती है, exactly. और कभी कभी किसी को सुनने में लगता है अच्छा ये इसने क्या डाल दिया बीच में, लेकिन जब आप उसको चखते हैं तो वो होता है कि वो तो अच्छी इन्वेंशन है। तो नाजिया के लिए तालियां बजाइए जोरदार। थैंक यू सो मच। एक बात मैं कहूंगी, वैसे नहीं नहीं एक बात कहना चाह रही हूं, एक बात की पहले पूरी, एक सवाल है जो स्लश है आपने कहा कि उसको बर्फ को वो ज्यादा सा क्रश करते, क्या हम फ्रूट को जैसे तरबूज होता है या अंगूर है उनको फ्रीज कर लें और बर्फ वाला डाल लें जग में, ये टूट तो नहीं जाएगा जग अगर? नहीं 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 टूटता नहीं, आराम से, ये बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है असल में, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरीज की जो सनावत अब तो निकल गई है, तो अब ये लोग यही करते हैं। मैं सवाल वो करता हूँ जो बिल्कुल अनजान नहीं होते लोग,
नहीं अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लोग करते हैं स्ट्रॉबेरीज पहले भी ना, यही चीज आपने फ्रीज कर ली। इसी तरह खरबूजा भी आप फ्रीज बिल्कुल बर्फ बनाकर, उसका भी आपने देखा होगा एक बड़ी मशहूर जो दुकान है वहाँ पर यही किया हुआ होता है उन्होंने। लाइट चलेगी तो वो कैसे तोड़ेंगे बर्फ का बना हुआ वो खरबूजे को तरबूज क्या करें? फिर तो आप उसको नहीं बनाएंगे, आप उसको ना वो लॉली समझ के खा जाएं। मैं बताऊं, मैं बताता हूँ, मुझसे सुनो। मैं उस पूरे जमे हुई चीज को रखूंगा कपड़े में, कपड़े को ऊपर से पकड़ूंगा और डंडा लेके उसको जोर जोर से मारूंगा, सारा क्रश हो जाएगा। कपड़ा भी ऐसा चाहिए जो फटे नहीं, फिर बर्फ ऐसी थोड़ी बर्फ थोड़ी है, ऐसे डंडे मार के तोड़ी है? वो देख लो यार, एक सेकंड, बर्फ में और फ्रूट में फर्क है। फ्रूट जो होता है जरा स्लाइमी होता है और उसमें से रस भी रसना शुरू हो जाता है। तो आप इसे कपड़े से निकालें, साफ कपड़ा, चलिए फिर बार बार करना पड़ेगा, मैं ज्यादा करूं नहीं, नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं जरूरत इजाद की है, हो जाएगा, सही कहा, सही कहा, मेरे लिए तालियां हो जाएगा।